नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आप सबका स्वागत है प्योर पॉलिटिक्स में। आज हालांकि कुछ ऐसी चर्चा हम करेंगे जिसमें पॉलिटिक्स थोड़ा कम है और दूसरी बातें थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आप तय मानिए कि जो बातें आप सुनेंगे उसे सुनकर आपको कुछ नयापन का एहसास ज़रूर होगा। आप सभी जानते हैं आर्यन खान को आज जमानत मिल गई ड्रग्स केस में, और हीरो के रूप में उभरे समीर वानखेड़े को भी आज कोर्ट से राहत मिली है कि उनकी गिरफ्तारी 3 दिन की पूर्व सूचना के बिना नहीं हो सकती। समीर वानखेड़े की तरफ से भी ये जानकारी मिली है, यानी उनको भी कोर्ट ने राहत दी है। आखिर ये नौबत क्यों आई? समीर वानखेड़े विवादों में क्यों घसीटे जा रहे हैं? आखिर समीर वानखेड़े का दोष क्या है? हम इस कार्यक्रम के माध्यम से समीर वानखेड़े को कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी में भी तनकर खड़ा रहा हो, उसके ईमान में कुछ तो बात होगी। तो आमतौर पर जहां फिल्म को या फिल्मी दुनिया को देखकर सारे लोग अपना सर झुका लेते हो, वो उसकी वजह क्या है सबके अलग अलग हो सकते हैं, वहाँ एक अधिकारी तनकर खड़ा हुआ और उसने आर्यन खान की गिरफ्तारी की। और ड्रग्स के लिए उन समीर वानखेड़े के बारे में यही कहा जाता है कि उनसे सभी बच कर रहते हैं। समीर वानखेड़े का मतलब है अधिक से अधिक कार्रवाई, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई। आर्यन खान इसके जीते जागते उदाहरण हैं, लेकिन उनके पीछे जिस तरह से वहाँ की महाराष्ट्र की सियासत लगी, वो एक बड़ा प्रश्न है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नवाब मलिक ने जिस तरह से उन पर आरोप लगाए, वो एक अधिकारी पर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर सकते थे। नवाब मलिक कोई कॉमन मैन नहीं है, वो एक पार्टी के विधायक हैं, एक पार्टी की तरफ से विधायक हैं, और वो अगर किसी अधिकारी पर बीच प्रोसीडिंग्स में आरोप लगाते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा करने वाले हैं वो दरअसल सिर्फ ये नहीं है कि समीर वानखेड़े पर आरोप क्यों लगाए गए। हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो कोई बड़ा चैनल आपको बताने से कतराएगा, क्योंकि इस समय सभी स्तुति की मुद्रा में है, सभी स्तुति करने की मुद्रा में है, सभी को इस बात की चिंता है कि कितने सेकंड्स, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन आर्यन खान और उसके साथियों ने जेल में बिताए। उनकी अपनी अपनी गणना है, मेरी उस गणना में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ईमानदारी के साथ खड़े हुए लोगों के साथ आज तक कब कब क्या क्या। हम आपको वो एक नाम बताएंगे जिस नाम को सुनकर आप ताज्जुब करेंगे कि उसके खिलाफ भी वो सारे आरोप थे जो आज समीर वानखेड़े के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। आज हम उस व्यक्ति के बारे में आपको बताएंगे जिसे ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की गई, जिसे बुलडोजर मैन कहा जाता था, बृहद मुंबई के जो डिप्टी कमिश्नर थे खैरनार, हम उनकी बात आपको बताएंगे। इस समय हम उनको याद करना चाहेंगे, जीआर खैरनार, गोविंद राघव खैरनार। गोविंद राघव खैरनार क्लर्क से उठे थे और वो डिप्टी कमिश्नर बने थे बृहन नगर पालिका में मुंबई के, और वहां उन्होंने जो भी अवैध भवन थे, जो भी अवैध निर्माण थे, उसको ढाह दिया था। और एक समय ऐसा आया कि तमाम राजनीतिक बातें एक तरफ हो गईं और खैरनार एक हीरो की तरह उभर कर सामने आ गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से समीर वानखेड़े उभर कर सामने आए। लेकिन उनके पीछे भी सियासत पड़ी और उन्होंने उन सब का माकूल जवाब दिया, हालांकि इसके लिए उन्हें काफी सफर करना पड़ा। जीआर खैरनार
जैसा कि हमने आपको बताया, जो आंकड़े हैं हमारे पास कि करीब करीब 350 बिल्डिंग्स, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी थी, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। और जो जिन लोगों के बिल्डिंग्स गिराए गए थे उनके संबंध बताया जाता है कि दाऊद डी ग्रुप से थे, दाऊद के ग्रुप से थे, उनकी बिल्डिंग्स गिराने की हिम्मत उन्होंने जुटा ली थी। सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी और शरद पवार उस समय मुख्यमंत्री थे और खैरनार की प्रताड़ना शुरू हुई, उनको परेशान करने का क्रम चला। अब ये बेहद दिलचस्प इत्तफाक है कि आज फिर सरकार कांग्रेस की है, समीर वानखेड़े कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की है इनफैक्ट, और एक ईमानदार ऑफिसर खड़ा होता है समीर वानखेड़े और सभी उसके पीछे लग लेते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसे कितने अधिकारियों को आप जानते हैं जिनके पिताजी का धर्म, जिनकी पहली पत्नी का धर्म, ये सब कुछ मीडिया में उछाला गया? क्या ऐसे कोई अधिकारी पहले नहीं हुए? क्या आज नहीं है? उन अधिकारियों के नाम कहाँ हैं? उनके खिलाफ क्यों नहीं लगते? दरअसल वो एक सिस्टम में बैठे हुए हैं, उस सिस्टम के पार्ट हो गए हैं जिसे ये पॉलिटिशियंस चलाना चाहते हैं, और इसलिए उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम ये नहीं उठाते। आज एक अधिकारी अगर ये कहने की, ये बताने की, या हम कह सकते हैं एक कार्रवाई करने की कोशिश करता है जिसमें कि मुंबई के सितारों की चूल्हे हिल जाएं, तो वो सभी की नजरों में खटक जाता है। हम उम्मीद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर मत जाइए, लेकिन उनके उस प्रयास पर जरूर जाइए, उनके इस प्रयास के लिए समर्थन जरूर कीजिए जो उन्होंने किया है। आप यकीन मानिए, यह आसान नहीं है कि आप शाहरुख के बेटे को उठाएं और उठाने के बाद उस पर आरोप लगा दें, क्योंकि कई तरह के दबाव होते हैं। तो ऐसे दबाव को दरकिनार करके एक ईमानदार ऑफिसर खड़ा होता है समीर वानखेड़े, और उस समीर वानखेड़े न सिर्फ वो दबाव झेलते हैं बल्कि वो इस पर आगे बढ़ते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि सजा दिलाई जाए या कम से कम जमानत ना मिले, लेकिन उल्टा हो जाता है, बाजियां पलट दी जाती हैं, समीर वानखेड़े पर मामला बनने लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो चैनल्स हैं, जो न्यूज मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं, उसमें से अधिकांश शाहरुख की स्तुति में लग जाते हैं और समीर वानखेड़े के ऊपर उठने वाले सवालों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये दिलचस्प है, ये आश्चर्यजनक है, ये लज्जाजनक भी है। हम बात कर रहे थे जीआर खैरनार की, और हम दोनों के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हम बताना चाहेंगे। ठीक इसी तरह से जिस तरह से समीर वानखेड़े पर ये आरोप लगा कि वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जीआर खैरनार के ऊपर भी यही आरोप लगाया गया था कि वो एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उनकी बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं। अगर वो दाऊद ग्रुप के लोगों के बिल्डिंग्स गिरा रहे थे तो दाऊद एक अपराधी था, उस वक्त भी था, फिर उस वक्त ये सवाल क्यों खड़े हुए? उस वक्त शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे, आज शरद पवार के की पार्टी के नेता वही सब सवाल खड़े कर रहे हैं, सेम मॉडस ऑपरेंडी है, कुछ भी नहीं बदला, वही सारे सवाल खड़े कर रहे हैं समीर वानखेड़े पर। तो जो ईमानदार हो उसको धर्मगत बातों में डाल दिया जाए, जो ईमानदार हो उस पर धर्म वाली बातें चस्पा कर दी जाए और उसे नीचे ड्रैग कर दिया जाए। अभी तो दल की बात आई नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कुछ दिनों के बाद ये भी एक कोशिश होगी कि कभी उनके संबंध किसी पार्टी से रहे हैं या नहीं रहे हैं, यह भी ढूंढा जाएगा। यह आश्चर्यजनक है। मैं उनको पढ़ रहा था, खैरनार की उस समय की रिपोर्टिंग्स मैं पढ़ रहा था
करनार खुद भी बहुत जुझारू व्यक्ति रहे, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो क्लर्क से डिप्टी कमिश्नर बने थे, तो उन्हें सारी बातें पता थी। उस वक्त खैरनार पर यह आरोप लगाया था कि वो उनका कंसंट्रेशन जो है वो मुस्लिम गैंगस्टर्स पर तो है, लेकिन शिवसेना के जो बैक्ड गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ नहीं है, उन पर यह आरोप लगाया था। यही आरोप कमोबेश बदल कर समीर वानखेड़े पर भी लग रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से, और हालांकि तब भी उन्होंने ये कहा था कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है उन पे। आपको आश्चर्य होगा, उनके ऊपर स्टोन्स फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उन पर गोलियां चली और कई तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, और वो सारी चीजें आप होता देखेंगे शायद समीर वानखेड़े केस में भी, क्योंकि समीर वानखेड़े ने सिस्टम को चैलेंज किया है, सिस्टम जो कि सर झुकाता है फिल्म इंडस्ट्री के सामने मुंबई में, उस सिस्टम को चैलेंज किया गया है। और अगर उसको चैलेंज किया गया है तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। अब उनके पिता को कैमरे के सामने आना पड़ता है, मीडिया के सामने आना पड़ता है, मीडिया ट्रायल जारी है, उनकी पत्नी को कैमरे के सामने आना पड़ता है। उस अधिकारी का दोष क्या, उनकी पत्नी का, उनके पिता का दोष क्या है, सिवाय इसके कि उन्होंने एक सुपरस्टार के बेटे को अरेस्ट कर लिया जो कि जिसके व्हाट्सएप चैट में बहुत सारी चीजें हैं। कोर्ट माने ना माने, अदालतें उसे माने ना माने, लेकिन आप और हम जानते हैं कि व्हाट्सएप चैट से बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, और व्हाट्सएप चैट में कही गई बातें कितनी सही होती हैं। तो समीर वानखेड़े इस लड़ाई में अकेले ना पड़ जाएं, तो ये हमें महसूस हुआ कि उनके समर्थन में शायद कुछ बातें बोलने की जरूरत है। आप सभी चाहते हैं कि ईमानदार सिस्टम हो, ईमानदार नेता हो, ईमानदार अधिकारी हो, तो जब कोई ईमानदार आपके बीच से निकलता है तो उसके साथ खड़ा होने की कोशिश कीजिए। समीर वानखेड़े, हम यही कह सकते हैं कि आपने जो किया वो सैल्यूट करने लायक है। अदालत में वो चीजें साबित हो पाए या ना हो पाए, लेकिन ये हिम्मत जुटाना भी अपने आप में बड़ी बात है। कल को जो जिस तरह की व्यवस्था है और जो कोशिशें जारी हैं, कल को हो सकता है कि समीर वानखेड़े के ऊपर कई तरह के आरोप लगा दिए जाएं और ये तथ्य जुटाए जाएं कि साहब ये भी किसी तरह से संलग्न थे ये, लेकिन उनके उन पर आरोप लगाने से पहले उन्होंने अब तक जो किया है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो उनके इस जज्बे को सलाम जो खैरनार साहब विरासत में दे गए, उस जज्बे को सलाम, और ऐसे हर अधिकारी के उस जज्बे को हम सलाम करते हैं जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं। आज प्योर पॉलिटिक्स में प्योर सियासत की बातें हमने नहीं की, हमने ये बताने की कोशिश की आपको कि किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं व्यवस्था में। आप और हम सब मिलकर इसे बदल सकते हैं, एक आवाज तो लगाइए, एक कोशिश तो कीजिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।